क्रीम कालिकाय नमः। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा है एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। सो 10 तारीख को 10 फरवरी 2024 को फर्स्ट गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम पे हम लोग क्या क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड ऐसी क्या चीज़ करें जिससे जो भी हमारे काम रुके हुए हैं या फिर जो भी हमारी विश है वो पूरी नहीं हो रही है वो इस टाइम में इन दिनों में पूरी हो जाए। अगर इस टाइम पे आप कुछ भी रिचुअल्स करते हैं स्पेशली माँ से रिलेटेड तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें आती हैं एंड ये जो टाइम होता है अगर आप इस टाइम माँ की पूजा करते हो, माँ के मंत्र चैंट करते हो, उसका जो फल है वो 100 गुना ज़्यादा आपको मिलता है। तो जो भी ब्लेसिंग्स आपको आने वाली होती हैं उसका 100 टाइम्स आपको यूनिवर्स देता है, माँ देती हैं। सो इस टाइम पे हम लोग ऐसा क्या रिचुअल फॉलो करें जिससे जो भी हमारी लाइफ है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, वो चीज़ें हमारी स्मूदली हो जाएं एंड बिलीव मी ये टाइम बहुत अच्छा है उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। आज 9 तारीख है, न्यू मून का दिन है, नई स्टार्टिंग्स करने का दिन है। अगर आप करियर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ को आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो गया, करियर हो गया या फिर बिजनेस हो गया, अच्छी हेल्थ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आप किसी और के लिए भी कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम किसी और के लिए मंत्र चैंटिंग कैसे करें, तो उस पर्सन को अपने माइंड में रखो एंड जस्ट टेल माँ इंटेंशनली कि मैं ये चैंटिंग इस पर्सन की हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, इस पर्सन के करियर के लिए कर रहा हूँ एंड प्लीज एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप इंटेंशन इज़ द की, इंटेंशन इज़ एवरीथिंग। सो आप औरों को भी अपने साथ ब्लेसिंग्स दिलवा सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं काफ़ी रीजंस की वजह से, तो आप उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। सपोज पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की सक्सेस के लिए भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर पहले डिस्कशन नहीं करा है। पहली चीज़, अगर आप चाहते हो माँ काली की ब्लेसिंग पाना एंड कोई बहुत बड़ी विश आपकी है, आपको लग रहा है लाइफ आपकी कहीं नहीं जा रही, आप थोड़ा परेशान है एंड कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे, राइट? सो आप, शनिवार है, शनिवार के दिन से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, माँ काली का दिन है इस टाइम पे। सो आप माँ काली के 9 शनिवार के फास्ट इस टाइम पे रख सकते हैं। मैंने प्रॉपर इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। पहली चीज़, आप माँ काली के फास्ट करने स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, आप माँ काली का बीज मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर सकते हो। माँ काली का एक बहुत ही मन पसंदीदा एक मंत्र है, द मंत्र इज़ ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आप चाहते हो कि इस मंत्रा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलें, जो भी आप मन में इंटेंशन रखते हो, इंटेंशन को आपने मन में रखना है एंड स्टार्ट चैंटिंग दिस मंत्रा, ये भी आपको हेल्प करेगा। आप इस मंत्रा को संकल्प लेके भी कर सकते हो या फिर आप ओपन इसकी चैंटिंग भी रख सकते हो, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। अब एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, मैंने कुछ टाइम पहले सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ की बात करी थी। मैंने उसमें यह बताया था कि आपको डेली एक संकल्प लेना है जिसमें आपने डेली 11 दिनों तक लगातार आपने 11 बार डेली सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है, अपनी स्पेसिफिक इंटेंशन को अपने माइंड में रख के। ये भी ड्रास्टिकली आपकी सिचुएशंस को चेंज कर सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने बताई नहीं है, आप ये सब चीज़ें भी फॉलो कर सकते हो। 11 आप ना रख के आप यहाँ पे 9 का कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे नवरात्रि की एनर्जी है, तो 9 का आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 9 आपने रखने हैं, 9 बार आप पाठ करेंगे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अप टू 9 डेज एंड मेक श्योर आप सेम टाइम पे इसे करें। आप रात के 9 बजे से कर सकते हैं एंड जो माँ की पूजा है ट्राई करें उसे इवनिंग के टाइम पे करने का। एंड जब भी आप कोई पाठ करने बैठते हैं, कोई भी आप रिचुअल करने बैठते हैं माँ काली का, काफ़ी लोगों की कंप्लेन रहती है कि उनको नेगेटिव एनर्जीज कभी कभी फील होती हैं कि उनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, तो आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। अपने राइट हैंड में आपने जल लेना है, पानी लेना है एंड आपने 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसके बाद आपने 3 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये बोल के आपने फूंक मारनी है। एक बार मंत्र बोलना है, फिर फूंक मारनी है पानी में, फिर एक बार मंत्र बोलना है, फिर एक फूंक मारनी है, ऐसे करके आपने 6 बार फूंकना है एंड आपने उसमें इंटेंशन देनी है, हे माँ काली, हे भोले बाबा, मैं आपके मंत्रास या जो भी आप रिचुअल करने जा रहे हैं, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दें जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो। एंड उस पानी को आपने आसपास एक सर्कल के तरीके से फेंक देना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्पेसिफिक कोई सर्कल ड्रॉ करना, बस हाथ को हल्का सा ऊपर करके अपने आसपास सर्कल के वे में उसको डाल देना है, छिड़क देना है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। आप ये चीज़ भी कर सकते हैं।
या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द रिचुअल आप पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं. एंड सुनना डजंट मीन कि आप उसके जो शब्द हैं उस पे ध्यान नहीं देंगे. यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स ऑफ दैट पंचमुखी हनुमान कवच. ठीक है, आप ये भी कर सकते हो. तो जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर आप अट्रैक्ट करते हो वो चीज़ नहीं होगी. एंड इकोलॉजी एंड अपने आसपास विजुलाइज करें कि एक फायर का सर्कल रेडी हो रहा है. तो आप ऐसे इंटेंशन के साथ भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं. उसके बाद जो भी आप चाहें, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऑब्स्टिकल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आप इस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, अभी आज का जो रिचुअल मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सिंपल है. आपने बेसिकली, हम लोग यहाँ पे जो भी आपका ऐसा बड़ा काम है, मैं पहले ये चीज़ बोल देती हूँ कि इसको छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस टाइम पे माँ से, कुछ भी आप हेल्प चाहते हो, तो आप इस टाइम पे ये रिचुअल कर सकते हो. एग्जाम में सक्सेस चाहिए, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बड़ी चीज़, ठीक है, जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही है. नॉट लाइक कि मेरे को छोटा सा फ़ोन मिल जाए या फिर मुझे खांसी हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाए. तो ये छोटी मोटी विशेज के लिए आप ये चीज़ ना करें, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. आपने सबसे पहले, आप जहाँ अपनी पूजा करते हैं आपने वहाँ बैठ जाना है, आपने दिया जलाना है. आप तिल के तेल का दिया जला सकते हो, सरसों के तेल का दिया जला सकते हो, या फिर घी का दिया भी जला सकते हो. बेसिकली हमें यहाँ पे माँ के नाम की जोत जलानी है. ठीक है, छोटा सा दिया आप ले सकते हो. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, रेड कलर का कपड़ा होना चाहिए. ये आपको ईजिली पूजा की दुकानों पर मिल जाता है. ठीक है, आपने एक नारियल चुन्नी लेनी है, आपने उसको उस कपड़े के ऊपर रखना है. 2 इलायची आपने लेनी है, 2 लौंग आपने लेनी है. लौंग के ऊपर एक गोल सा फ्लावर बना हो, टूटा हुआ ना हो, उसके ऊपर फ्लावर हो, कंप्लीट एकदम शुद्ध लौंग हो, आपने 2 लौंग रखनी है. 1.25 मुट्ठी आपने चावल लेना है, 1.25 मुट्ठी आपने अक्षत लेना है. चावल एंड अक्षत में डिफरेंस ये होता है कि चावल में कुछ टूटे हुए दाने भी हो सकते हैं, तो आपने इसको पहले ही चूज़ कर लेना है, चुन लेना है. जितने भी टूटे हुए दाने हैं आप उनको अलग कर लीजिए, एंड जितने भी पूरे साबुत या फिर कह सकते हैं सही दाने हैं जो अक्षत हैं, आपने उनको उस क्लॉथ पे रख देना है. ठीक है, आपने एक नटमेग या जायफल रखना है, 2 सुपारी रखनी है, ये आपको इजीली पूजा के शॉप पे मिल जाएगा. उसके बाद आपने 11 रुपीज़ या 21 रुपीज़ या 51 रुपीज़ है, जितना भी आपका सामर्थ है आप उतना रख सकते हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हो माँ से मांगना, आपने उसको माँ के सामने बोलना है, हे माँ, मैं XYZ, मेरा नाम है, मेरे फादर का नाम ये है, यानी कि मेरे पिता का नाम ये है. इफ़ यू आर मैरिड आप अपने हस्बैंड का नाम लेंगी, राइट. मेरा ये गोत्र है, अगर आपको गोत्र नहीं पता है इट्स टोटली फाइन, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको गोत्र अपना नहीं पता होता. मैं इस जगह रहता हूँ, अपना एड्रेस आपने बोलना है, एंड मैं आपसे, जो भी आपकी इंटेंशन है कि मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आ जाए, मेरी लाइफ से जो ये प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए. ठीक है, आपने इस तरीके से जो भी आपकी बात है आपने रखनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन करके एक पोटली टाइप बना लेना है, गांठ लगा देनी है, नॉट बना देनी है. ठीक है, एंड आपने इसको अपने मंदिर में रख देना है हाइड करके, जिससे कोई भी एक्चुअली में इसको ना देख पाए. सो प्लीज मेक श्योर अबाउट दिस. एंड जैसे ही आपकी विश पूरी होती है, जो भी आपका नियरेस्ट माँ काली का मंदिर है आप इसे वहाँ चढ़ा सकते हैं, एंड आप साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ऑफरिंग भी बोल सकते हैं माँ को अपने मन से, जो भी आपका दिल करता है कि मैं किसी इस पर्सन की हेल्प करूँगा या फिर मैं ये ऐसा करूँगा, तो कुछ भी आपको इंटरनली आता है आप ऐसा भी कर सकते. बट एक और चीज़ है, इफ़ यू बिलीव इन माँ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, दिल से इस चीज़ को करोगे, डेफिनेटली चीज़ें होंगी. ठीक है, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो. साथ में आप एक और चीज़ इस दिन कर सकते हो, एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि आप क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो 10 तारीख से, 10 फरवरी से. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है. पोटली वाला इफ़ यू वांट, ये वन टाइम है, उसके बाद ही आपकी जो पोटली है ये आपके मंदिर में रखी रहेगी, तक आपका काम पूरा नहीं होगा. बट ये बहुत जल्दी काम करता है, बिलीव में, अगर आप ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ इसको करोगे बहुत जल्दी आपके काम होंगे. अब एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, मैंने नवरात्रि नॉट स्पेल बताया हुआ है अपनी एक वीडियो में, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो, वो बहुत मैजिकल है, आपको मेरी ये वीडियोस मिल जाएंगी इजीली. ठीक है, आप ये भी चीज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आप एक और चीज़ यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप एक संकल्प ले सकते हो किसी स्पेसिफिक विश के लिए मंत्र चैंटिंग का. सपोज करो आपकी विश है कि आपकी जॉब लग जाए. ठीक है, आपने अपने राइट हैंड में पानी लेना है, जल लेना है, गंगा जल आप ले सकते हो या फिर आप थोड़ा सा पानी लेना है, एंड ये आपने माँ के सामने करना है. एंड आप प्लीज़ माता के नाम का दिया लाइट करें. ठीक है,
एंड आपने जल लेना है, माँ से बोलना है कि माँ मेरी ये इंटेंशन है, इस गोल को अचीव करने मेरी हेल्प करें। मैं डेली, सपोज करो आप ओम क्रीम कालिका या नमः का जाप करते हो, ठीक है, एंड मैं डेली 1 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना भी मतलब आपको अंदर से आता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, इतनी मैं चैंटिंग करूँगा डेली, एंड उस पानी को आपने ज़मीन पे छोड़ देना है, ठीक है, ये आपका संकल्प हो गया। उसके बाद आपने, मैंने आपको प्रोटेक्शन करने का तरीका बताया है, आपने प्रोटेक्शन लेनी है एंड इस मंत्रा की चैंटिंग आपने करनी है, एंड आप सिंस गुप्त नवरात्रि में इस संकल्प को ले रहे हो तो आपने ये बोलना है कि मैं अप टू 9 डेज इतनी माला करूंगा, ठीक है। अगर आपके मन में आता है कि आपको 21 डेज का संकल्प लेना है, 51 डेज का संकल्प लेना है, सो इट्स अप टू यू, बट 9 डेज तो आपने बोलने ही बोलने हैं कि मैं 9 डेज तक इस मंत्रा की चैंटिंग करूंगा एंड प्लीज मेरी इन सो एंड सो सिचुएशन में हेल्प करें। आप साथ में एडिशनली ऑफरिंग भी कोई माँ को बोल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, आपने ये चीज़ फॉलो करनी है एंड मेक श्योर कि जो आपने माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं इतनी माला डेली करूंगा आपने करनी ही है। एंड प्लीज़ ट्राई करें, अगर आप रात के 9 बजे इस चैंटिंग को करने बैठते हो, डेली आपने रात के 9 बजे ही इसे फॉलो करना है, तो मेक श्योर आप टाइम का ध्यान रखें, आप रात के 11:11 पे भी इसे कर सकते हैं, बिकॉज ये जो टाइम है ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, 9 डेज की बात बेसिकली है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप लोग कर लोगे अपनी विशेष पे, अपनी लाइफ पे, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। एंड इस टाइम पे जब आप बहुत दिल से चैंटिंग करोगे, आप दिल से, मन से, माँ से कनेक्ट करोगे, चैंटिंग करोगे, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को माँ के दर्शन भी सपने में हो जाएं, ठीक है। सो टोटली इट्स अप टू योर इंटेंशन। एंड एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत है, माँ भाव देखती हैं, ठीक है, आप किस इंटेंशन से, किस लविंग एनर्जी से उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो जो भी आपके अंदर नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपने इस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचनी है। एंड ट्राई करें प्लीज़ नॉनवेज ना खाने का, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं प्लीज़ अवॉइड नॉनवेज। फास्टिंग की मैं नहीं बोल रही हूँ, फास्टिंग आपको रखनी, आप रख सकते हो, इट्स अप टू यू, फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट सिंपल खाना इन दिनों फॉलो करें, ठीक है, या आपके ऑरा को इन्हांस करने में भी हेल्प करेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं, तो जिससे भी आपको लगता है कनेक्शन कि हाँ मुझे ये वाला रिचुअल फॉलो करना चाहिए, जो भी आपके दिल में आता है आप उसे अब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो कल का दिन है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड ये रिचुअल मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताए हैं, जिससे आपको पूजा का फल भी मिल जाए बट ज़्यादा आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इस पूजा की यही होती है, आपका माँ के लिए भाव, आपकी इंटेंशन। अगर आपका मन साफ़ है, चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होंगी। सो अपना मन साफ रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। सो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय, थैंक यू सो मच।